समय दिया गया है, मैंने कहा ऑब्जर्व तो करना ही पड़ेगा। तो ये है गोपेश्वर में 18 प्लस का कोविड वैक्सीनेशन। तो यहाँ पर कोरोना का टीका लग रहा है। गोपेश्वर में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में ये बीएड संकाय है यहाँ पर, और काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है। पहले यह बताया गया था कि आपको समय व तिथि सेट करना है, लेकिन यहाँ पर इसका कोई मायने नहीं है, क्योंकि आपने चाहे 9 से 10 अपॉइंटमेंट लिया हुआ है, 10 से 11 लिया हुआ, आपको यहाँ पर लाइन लगानी पड़ रही है। मैं पहले यहाँ पर जो कर्मचारी हैं उनसे कंफर्म कर चुका हूँ, और काफ़ी देर से मैं भी यहाँ पर लाइन पर लगा हुआ हूँ, और यहाँ पर सारी जनता लाइन पर है। लगभग अभी 100 के आसपास लोग यहाँ पर आए हुए हैं, और देखिए ये प्रतीक्षा कर रहे हैं। और यहाँ पर लोग 2 गज की दूरी का पालन कर रहे हैं। कुछ महीने में तो मुझे नहीं लगता है, कुछ महीने में लग रहा है, बाकी तो वो आप देख सकते हैं कैसा क्या है। और यहाँ पर जो कोड है और मोबाइल नंबर है, आपका रजिस्ट्रेशन की जांच हो रही है, और सामने ही देखिए तैयारी यहाँ पर चल रही है। यहाँ पर आपका कोड चेक हो रहा है, और ये वैक्सीनेशन की तैयारी, और इसमें जो वैक्सीन का इंजेक्शन है वो तैयार हो रहा है। और अब आई मेरी बारी, तो भाई ये हम भी लगा लेते हैं। बिल्कुल ठीक थे, ठीक थे। आधा घंटा बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ तो भाई ये हो चुका है वैक्सीनेशन कंप्लीट। तो भाई दोस्तों याद रखें, कोरोना को है हराना तो वैक्सीन को जरूरी है लगाना, और वो भी 2 डोज। तो वैक्सीन लगाने के बाद आधे घंटे का ऑब्जर्वेशन टाइम होता है, तो अभी देखते हैं इस आधे घंटे में जो ऑब्जर्वेशन टाइम है इसमें कोई प्रॉब्लम आती है या नहीं आती है। तो शर्मा जी कोई तकलीफ? लग रहा होगा थोड़ा, वीडियो है बिल्कुल। हाँ भाई ये जो 30 मिनट का समय दिया गया है, मैंने कहा ऑब्जर्व तो करना ही पड़ेगा। तो मनी मत कुछ लग रहा है अलग से? अच्छा बुखार आ गया, ये खा लो। नहीं मेरे को नहीं दिया, ये आपको देख के वो ये ठीक है। तो भाई फाइनली जो वैक्सीन है कोरोना की ये लग चुकी है, और आधे घंटे का ऑब्जर्वेशन टाइम हमें दिया गया था कि आप बैठिए ऑब्जर्व कीजिए खुद को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती। आधा घंटा पूरा हो चुका है, तो अभी ठीक लग रहा है, और अब चलें और साथ में बात करें कि आखिर जरूरी क्यों है ये वैक्सीन। तो दोस्तों ऐसा है कि वैक्सीन लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो वैक्सीन होती है इसके अंदर एक ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो हमारे इम्यून सिस्टम को जो वायरस है इसकी कोडिंग दे देता है, जिससे कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो इस तरह के, आप ये समझ लीजिए जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली जो चीज है वो कुछ ऐसी चीजें बनाती हैं जो इस वायरस को नाकाम कर देती है। तो आप इसकी एक डोज नहीं बल्कि पूरी 2 डोज जरूर लें, ताकि इस महामारी से बचने में, सबको बचाने में हम अपना योगदान दे सकें। दोस्तों तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।